भी आपने भाजपा को नासूर बताया। ये अभिनंदन जी का बैठने का कोई भी बात हो सकती है, पार्टी का ही लाइन। कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्ष पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्ष पद पर चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व MLC हैं रणवीर नंदन, और रणवीर नंदन ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनने में तो बेहद अटपटा है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इन दिनों चल रहा है उससे सूट करता है। दरअसल रणवीर नंदन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देश हित में साथ आना चाहिए। ये बयान पूर्व MLC रणवीर नंदन, जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान में सदस्य हैं, इसी पार्टी के नेता भी हैं, और उन्होंने इस बात को कहा है, जिसके बाद आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से इस सवाल को पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने ललन सिंह के बयान को लेकर भी कहा कि हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके जो शीर्ष पे जो नेता हैं वो और ऊंचे पद पर जाएं, इसमें क्या बुरा है, लेकिन जब फैसला होना होगा तो तमाम इंडिया के जो लोग हैं गठबंधन के वो बैठकर फैसला ले लेंगे। JDU के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, क्या अभी आपने भाजपा को नासूर बताया? ये अभिनंदन जी का बैठने का कोई भी बात हो सकती है, पार्टी का ही लाइन। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने नालंदा में एक बयान दिया कि भाई इतने दिन मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, बिहार में केंद्र में भी मंत्री रहे, आज तक कोई दाग नहीं लगा। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये उम्मीदवार को हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, सारे कानून पे उपलब्ध है, तो आप लोगों का क्या मानना है? कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्ष पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्ष पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे, इसमें कहां दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे करेगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर, लगभग 18 साल उनका शासन काल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न हो सकता है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी उस पर निर्णय लेगा लोग, इस पर कहां डिबेट है। ये मोदी के साथ नीतीश कुमार का फोटो आया, उसके बाद केंद्र की भाजपा सॉफ्ट दिख रही है, ऐसा कुछ है क्या कि इधर उधर हो सकता है आने वाले दिनों में? ये सब आप लोगों के जो सरकार है उनके दिमाग का 24 घंटे का जो TRP है उसको पकड़ने का न्यूज है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना।